हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है, आजकल आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो व्यूअर्स, आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करते हुए इस रीडिंग को देखें और प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को लाइक कर दें। हमारा फर्स्ट कार्ड आया है सिक्स ऑफ सोर्स। नेक्स्ट कार्ड है द एम्परर। नेक्स्ट आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ वेंट्स। फोर ऑफ कप्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो व्यूवर्स, ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे, ये आपसे आपकी सिचुएशन से मैच करेगी और सभी साइंस के लिए भी है। तो व्यूवर्स, आपका कोई भी जोडियक साइन हो, ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ सोर्स। तो ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपकी लाइफ से जा चुके हैं और उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके साथ अनजस्टिस किया है और वो अब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि अब आप उनको शायद माफ़ नहीं करेंगे। उनकी गलतियों को बहुत बार माफ़ कर चुके हैं, अब उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अपने गुनाहों की पोल्ट्री लेकर कहीं दूर चले जाएँ और वहीं पर जाकर बस जाएँ, आपकी तरफ मुड़ कर नहीं देखें। तो व्यूअर्स, ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है, उनको उनकी गलतियाँ रियलाइज़ हो रही हैं। उनको ऐसा भी लग रहा है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में बहुत सारी गलतियां की हैं, बहुत सारी गलतियां जिनको माफ़ किया जाना इम्पॉसिबल है। इसी वजह से अब वो आपकी तरफ वापस नहीं आना चाहते। उनको लगता है ना तो आप माफ़ करेंगे और ना ही उनको अपनाएंगे। तो हमारा सेकंड कार्ड है द एम्परर। तो व्यूअर्स, आपके पर्सन पास्ट में बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर रखते थे। वो ऐसा दिखाते थे कि जैसे कि वो कहीं के बादशाह हैं और आप उनकी प्रजा हैं। वो कितने भी जुल्म करेंगे, आप सहते रहेंगे। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन आप पर बहुत गु़स्सा करते थे और आप चुपचाप उनकी बातें सुनते रहते थे। वो आपको ऐसा दिखाते थे कि सारी गलती आपकी है, जबकि गलती उनकी होती थी, फिर भी वो आप ही पे ब्लेम करते थे, आप ही को इल्ज़ाम दिया करते थे। और उनके इस रूड बिहेवियर की वजह से आप नेगेटिव होते जा रहे थे, आपके अंदर नेगेटिविटी आती जा रही थी, आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खोते जा रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पर्सन यंग हैं, वो खूबसूरत हैं, हैंडसम हैं, ब्यूटीफुल हैं, यानी कि वो सारी ही खूबियों से परिपूर्ण बोलते हैं ना, वो हैं। तो उनके अंदर सारी ही खूबियाँ हैं और आप उनके सामने कुछ भी नहीं है, तो वो आपको ऐसा ही दिखाया करते थे व्यूवर्स। और ऐसा भी लगता है कि वो बात बात पर आपसे ये कहते होंगे कि मुझे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, तुम्हें तो कोई नहीं मिलेगा, तुम्हें तो मैं करता हूँ तो बहुत बड़ी बात है, तुम्हें कोई नहीं करने वाला। तो व्यूअर्स, आप इस तरह से निगेटिव होते चले गए और आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो गए। आपको ऐसा लगने लगा कि आप कुछ भी नहीं हैं, आपके पर्सन आपके सामने महान शख्सियत है। हमारा नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है, या तो आपका फ्रेंड है या फिर कोई और पर्सन हो सकता है। उसने आपके अंदर धीरे धीरे वो जो कॉन्फिडेंस आप खो चुके थे उसने आप में बिल्डअप किया। उसने आपको बताया कि नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, आप में कोई कमी नहीं है। उसने आपको सपोर्ट किया है और आपके फ्रेंड्स ने आपको गाइड किया। अब धीरे धीरे आप कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि अब आप अन्याय नहीं सहेंगे। अगर अब आपके पर्सन आपके पास वापस आना भी चाहेंगे तो आप उनको अपनी लाइफ में वापस नहीं आने देंगे। अब आप अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करेंगे, अपने लिए जिएंगे, अपनों के लिए जिएंगे। अब आपके पर्सन जब आपको इस तरह से देख रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंट देख रहे हैं, तो उनके अंदर भी अब ये बात आने लग गई है कि मैं तो इसलिए नहीं करता था ये सब कुछ, मेरा पर्सन मुझे छोड़कर नहीं जाए, मैं तो इसलिए उसको इस तरह से समझा कर रखता था ताकि वो मेरे साथ ही रहे, मुझे छोड़ कर ना जाए। अब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है और अब वो ख़ुद को बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं। अब उनको बहुत सारे ऑफ़र्स मिल रहे हैं और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो आप ही के प्यार को याद कर रहे हैं, आपकी मेमोरीज़ में खोए हुए हैं। अब आपके पर्सन को आपकी बहुत याद आ रही है, इन दिनों तो वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अब उनको ऐसा लग रहा है कि इतना परफेक्ट पार्टनर मुझे नहीं मिलेगा और मैं इसी तरह अकेला रह जाऊंगा। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन को फैमिली इश्यूज़ रहे हैं, उनकी फैमिली में या तो उनके पेरेंट्स नहीं हैं या फिर उनकी फ़ादर नहीं है, या फिर उनके फ़ादर का बचपन से ही काफ़ी रूड बिहेवियर रहा है जिसकी वजह से आपके पर्सन भी रूड हो गए। तो आजकल
वो यही सब सोच रहे हैं और आपको मिस कर रहे हैं। अब उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, उनको ऐसा लग रहा है। देख रहे हैं ना व्यूवर्स, नाइन ऑफ वैंड्स और फोर ऑफ कप्स की एनर्जी कितनी सैड एनर्जी होती है, वो इसी एनर्जी में इस वक्त नज़र आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि टेन ऑफ पेंटिकल्स यानी कि उनकी फैमिली से भी वो दूर है इन दिनों। व्यूवर्स, तो यही सब आपके पर्सन इन दिनों सोच रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो मैं इसका पार्ट टू बना दूंगी और यहीं से जहां से एंड किया है इस वीडियो को मैंने, यहीं से स्टार्ट करूंगी। व्यूवर्स, तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आप चाहते हैं इसका पार्ट टू मैं बनाऊँ। अगर आप मेरी किसी और वीडियो का भी पार्ट टू चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आप किस वीडियो का पार्ट टू चाहते हैं, मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो व्यूवर्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।